हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा अनबॉक्सिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक ये इंटरेस्टिंग जो कि होने वाला है इस वैक्यूम क्लीनर के साथ। वैसे इंटरेस्टिंग तो सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो सिर्फ सजा ही सजा। पूरे साल भर का कीचड़ खाने के बाद ये आज जाके मेरे हाथ लगा है, वो भी साफ सफाई करने के लिए। पहले घर साफ करो, उसके बाद साफ करने वाले को साफ करो। वाह भाई वाह। ये इसका होंठ है, इसे हम बराबर साफ कर लेते, शायद हो गया। ये है इसका गला, देखिए अंदर सिर्फ धूल ही धूल भरा पड़ा है। इसे हम सूखे कपड़े से साफ करेंगे, अगर गीले कपड़े से साफ करेंगे तो धूल कीचड़ बन के अंदर खांचे में फंसा हुआ रहेगा, वो भी जन्म भर के लिए। इसे भी हम बराबर साफ करेंगे। वैसे बारीकी से साफ करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ साफ सफाई बस, क्योंकि एक दो दिन बाद ये फिर से धूल हो जाएगा। जितना हो सके उतना साफ कर लेते हैं। आप चाहे ब्रश से भी साफ कर सकते हैं। तो लीजिए, ये फिलहाल हो गया साफ। इसे अब हम साइड पर रख देते हैं। अब इसके बॉडी को देखें तो ये भी बहुत ही मैला लग रहा है, पर आप लोगों को शायद दिखाई ना भी दे, पर ये बहुत ही मैला लग रहा है सच में। इसे भी हम बराबर से साफ करेंगे जितना हो सके, मतलब जितना मेरा कपड़ा जाएगा उतना ही मैं साफ करूंगा, उसे ज़्यादा नहीं होगा। पानी तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक मशीन है, अंदर चला जाएगा तो भाई फिर मुझे झाड़ू से ही साफ करना पड़ेगा। वैक्यूम क्लीनर का तो दी एंड हो जाएगा वो करने पर। सो गाइस, ये फिलहाल तो अभी साफ हो चुका है लगता है, पर अब इसके स्टोमक को साफ करना होगा। ये रहा इसका स्टोमक, इसे हम बाहर निकालते हैं। इसे प्रेस करके इसका ढक्कन को हटाना होता है। और ये बाप रे कितना धूल है। यहाँ से इसका ढक्कन को हटा लेते हैं। ये देखिए एकदम से धूल ही धूल। अरे यार, फिलहाल तो लगता है ये ढक्कन हो गया साफ। थोड़ा खांचे को भी साफ कर लेते हैं ब्रश की मदद से, ताकि ये थोड़ा चिकनाई बरकरार रहे। इसे वापस बेचना तो नहीं है मुझे, तो इसीलिए ज़्यादा साफ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए ये कितना कचरा खाया था, याक। वो देखिए एकदम से पूरा, अभी भी कुछ मैला लगा हुआ है अंदर। ये शायद कपड़े से नहीं साफ होगा, इसे मुझे धोना ही पड़ेगा। इसे धोएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये इसका फिल्टर है, देखिए यहाँ पर नल दिखाया गया है, नल तक। अरे बाप रे, ये देखिए ये इसका फिल्टर है, कितना मैला है। उफ, इसे भी हम पानी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर हाँ अंदर डालते समय सुखा के डालना होगा। वो देखिए गाइस कितना ज्यादा धूल निकल रहा है इसमें से। वो बाप रे बाप। अंदर भी मैला लगा हुआ है, कंकड़ चला गया है अंदर। अभी भी बहुत धूल है, शायद कुछ हद तक कम हो गया है। देखिए अभी भी धूल निकल रहा है, कूट कूट के साफ करना होगा इसे। उफ, अभी फिलहाल बेहतर लग रहा है, देखिए पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर। मेरा हाथ एकदम सफ़ेद हो गया धूल से। ये भी इसका ऊपर वाला फिल्टर है, इसमें भी बहुत सारा धूल लगा हुआ है, इसे भी हम साफ करेंगे। ये देखिए
कितना सारा धूल है अंदर। ये फिल्टर को हमें बार बार साफ करना होता है, क्योंकि ये फिल्टर अगर जाम हो जाएगा तो आपका वैक्यूम क्लीनर ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपका मोटर भी जाम होके खराब भी हो सकता है। ये देखिए अंदर नल, यहाँ पर नल का शेप बनाया गया है, मतलब कि आप इसे नल के पानी से धो सकते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा पोछ लेते, पर मुझे जितना तक लगता है कि ये सब मुझे पानी से ही धोना पड़ेगा। पहले ऊपर ऊपर थोड़ा साफ कर लेते वरना कीचड़ जैसा फीलिंग आएगा बाद में, हर जगह सिर्फ धूल ही धूल। ये अब इसका पीछे का फिल्टर है, ये देखिए ये इस तरह से बाहर निकलता है। बच्चे का पिछवाड़ धोने के जैसे लग रहा है पूरा। ये इसका और एक फिल्टर, पीछे का फिल्टर पूरा धूल भरा पड़ा है, देखिए इश यो। पर एक बात समझ लीजिए, अगर आपको ये सब साफ करना होगा तो बाहरी बॉडी को मत साफ कीजिए। मैंने पहली बार किया तो ये मेरे से गलती हो गया, मुझे फिर से साफ करना होगा, क्योंकि ये अभी के लिए वो बाहरी बॉडी पर धूल लगा गया है। देखिए कितना सारा धूल निकल रहा है अंदर से। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, इसे आप पानी भी लगा सकते हैं इस वाले फिल्टर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये वाला फिल्टर आपका पीस बोर्ड का बना हुआ था है, तो ख़राब होने का चांसेस होता है, पर ये आपको दुकान में मिल जाएगा ख़रीदने के लिए। ये नॉर्मली चेंज होता है, चेंज करना पड़ता है, पर हम चेंज नहीं करेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम इसे सिर्फ साफ ही करेंगे। बच्चे का पिछवाड़ धोने जैसा लग रहा है, लग रहा है कोई बच्चे का पिछवाड़ धो रहा है हमें। ये हुआ साफ, अब ये हम लगा देंगे, क्योंकि ये पीछे वाला सेक्शन साफ हो चुका है फिलहाल। ये हमने लगा दिया, अब इसके सामने के हिस्से को भी हम साफ करेंगे बराबर से। ये शायद बराबर साफ करना होगा, मतलब बारीकी से साफ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका धूल डायरेक्ट अंदर जा सकता है मोटर पर, तो ये हम ठीक से साफ करेंगे। इसे साफ करना ज़रूरी है, इस बॉडी को भी फिर से साफ कर लेते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था इसे पानी से भी साफ किया जा सकता है, तो हम इसे पानी से भी साफ करेंगे ताकि बारीकी से साफ हो। ठीक से झाड़ लेते ताकि अंदर कोई पानी ना रहे। ये इसका पेट है, मान लीजिए सभी खाना जाके इस पेट में जमा होता है, तो इससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करना होगा। शायद हो गया, ये देखिए कितना साफ लग रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, पहले ऐसा नहीं था। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो भी हम साफ करेंगे, और मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा मैला होता है वो है इसका फिल्टर। ये फिल्टर का काम है कि कोई भी बड़ा पार्टिकल आपके मोटर में ना जाए, तो ये इसके लिए लगाया जाता है। इसे भी हम ठीक से निचोड़ लेंगे,
ये देखिए कितना साफ हो गया है एकदम से, बिफोर आफ्टर करके आप देख सकते हैं बाद में। अब इस ढक्कन की बारी, ये वैसे उतना साफ करना ज़्यादा मैटर नहीं है क्योंकि पहले ही हम इसे पोछ लिए थे, तो इसे भी हम झाड़ देंगे। अब इसे कुछ टाइम के लिए तेज़ धूप में रखना होगा क्योंकि अगर एक भी पार्ट जाए पानी का तो भाई मोटर का बैंड बच जाएगा। अब जब तक आपको वो सब धूप में सूख रहा है तब आप थोड़ा सा इसे भी साफ कर लीजिए थोड़ा ऊपर ऊपर से, एकदम चकाचक हो गया देखिए, एकदम नया जैसा। जैसे अब ये हमारा फिल्टर पहले की तरह सेट कर देते, ये लगेगा यहाँ पर, ये थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे, क्या पता। अच्छा ओ सॉरी उल्टा था, ये यहाँ पर दो लाइन बना हुआ है इसे यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये देखिए इस तरह से, ये हो गया सेट। अब हम इसे इसके बॉडी के साथ अटैच कर देंगे, पहले ढक्कन को लगा देते हैं, इस तरह से सेट किया जाता है देखिए। ये हो गया सेट, अब इसे इस बॉडी पर सेट कर देंगे इस तरह से। अब ये हो गया हमारा वैक्यूम क्लीनर एकदम से क्लीन, मतलब नया जैसा। जैसे अब फिर से मुझे इसे दो दिन बाद साफ करना पड़ेगा कि बहुत धूल होता है मेरे घर में। सो गाइस गुड बाय।